दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेटर रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि धमाका सीरीज आई है। जी हाँ दोस्तों, धमाका सीरीज लॉन्च की गई है प्रदीप सर द्वारा और उसी के तहत हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 7 स्टैंडर्ड के लेक्चर, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10, 11, 12 साइंस कॉमर्स सभी क्लासेस के लेक्चर हम सब भी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हो चुके। उसी सीरीज के तहत हम लेकर आ चुके क्या आपके लिए आपके 9 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का अगला पार्ट यानी पार्ट 2 लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। अब पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, पहले लेक्चर में हमने दोस्तों इंट्रोडक्शन देखा था, साथ ही साथ 1960 वाला जो डिकेड था वो देखा था, हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, फिर उसके बाद हमें आर्किटेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी इंडिया फॉरेन पॉलिसी कौन कहलाता है, फिर उसके बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन बने हमारे, फिर तीसरे प्राइम मिनिस्टर कौन बने और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में क्या सारी चीजें हुई और कौन लीड किया क्या किस तरह से, वो सारी चीजें हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में समझ ली है। अब सेकंड लेक्चर आ चुका है, सेकंड लेक्चर आ चुका है आपके 1970s के बारे में। जी हाँ दोस्तों 1970s के डिकेड के बारे में, और अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाओ प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए जाके देख लो, ठीक है। अब उसी तरह से अब मैं यहाँ पे बात करूं आपका 1970 का डिकेड चालू हो गया। अब 1970 का डिकेड चालू हुआ, मैंने आपको बताया था 1960 के वाले डिकेड में एंडिंग में क्या हो रहा था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में भाई झगड़ा चल रहा था, जिसके वजह से क्या हो रहा था, जो रेफ्यूजीज थे वो भाग के कहां आ रहे थे, आपके इंडिया में भी आ रहे थे। अब उसी द्वारा जो मूवमेंट था वो लीड किया जा रहा था हमारे आपके कहीं ना कहीं जो हमारा कंट्रीब्यूशन था, जो रेमिनेंट प्रोमिनेंट लीडरशिप थी हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी जी का भी था, जिसके वजह से क्या हुआ 1971 में वॉर हो गया, किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, फिर उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की वजह से क्या बना, एक नया देश बनकर आया सामने दोस्तों, क्या बन गया है बांग्लादेश, क्या बन गया हमारे सामने बांग्लादेश। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने भाई ओपी वाले वेपन्स होते हैं, ठीक है, एक बार किसी उड़ा दिया तो भाई खत्म। उसी तरह से हमारे अगर मैं इंडिया की पॉलिसी के बारे में बात करूं तो इंडिया की पॉलिसी है कि जो एटॉमिक पावर होगी या फिर एटॉमिक डिवाइसेस होंगे जो हमेशा किससे यूज किया पीसफुल मैनर में यूज किया जाएंगे, उसी के तहत हमने क्या किया था, एक अंडरग्राउंड टेस्ट किया था एटॉमिक डिवाइस का, कौन से साल में 1974 में, कब कहां पर, पोखरण में राजस्थान में, समझ में आ गया, पोखरण राजस्थान में 1974 में हमने सबसे पहले क्या किया था, हमारा जो एटॉमिक डिवाइस था उसे अंडरग्राउंड किया, टेस्ट किया था दोस्तों। फिर वहीं अगर मैं बात करूं 1975 वाला जो पीरियड आया, कौन सा वाला पीरियड, 1975 वाला पीरियड जो सिक्किम था, सिक्किम के जो लोग थे ना उन्होंने क्या किया था, वोट देने लगे, बोलने लगे भाई गोवा डीयू दमन की तरह हमें भी क्या करना, हमें भी इंडियन फेडरेशन ज्वाइन करना और एक भारत देश का हिस्सा बनना है दोस्तों, समझ में आ गया। फिर वही अगर मैं बात करूं आपके सारी चीजें अच्छी चल रही थी, 1975 से लेकर 1977 तक एक इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, उस इमरजेंसी को हम लोग कौन सा इमरजेंसी बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी। अब इमरजेंसी के बारे में बात करूं तो तीन तरह की इमरजेंसी होती है, एक नेशनल इमरजेंसी, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी और एक स्टेट इमरजेंसी, इस तरह की इमरजेंसी होती है। अब नेशनल इमरजेंसी की वजह से क्या सारी चीजें हुई, ये जो ह्यूमन राइट्स है क्या, जो मानव अधिकार थे वो क्या किए गए थे, सस्पेंड कर दिए गए थे, यानी बोल दिया था भाई अब तक आपकी ह्यूमन राइट्स क्या वैलिड नहीं है कभी तक आपके इमरजेंसी में। फिर साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले डिपार्टमेंट था हमारे कंट्री का वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन मैनर में आ गया था, कौन से मैनर में आ गया था, डिसिप्लिन मैनर में आ गया था दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। अब क्या हुआ दोस्तों, अब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद अब तो अपोजिशन पार्टी को क्या चाहिए था, एक तो कहीं ना कहीं एक मौका चाहिए था। अब ऑपोजिशन जितनी पार्टी थी ना सब एक साथ आ गई और उन्होंने क्या कर लिया, कोलिशन का यानी गठबंधन कर लिया और एक नया पार्टी बांध लिया, क्या नया पार्टी आ गया जिसको हम लोग कौन सा पार्टी बोलते हैं, उसको हम लोग दोस्तों जनता पार्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सभी पार्टी एक साथ आ गई और उन्होंने एक नया पार्टी फॉर्म कर लिया जिसको हम लोग जनता पार्टी बोलते हैं, और उस पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे मोरारजी देसाई वो बन गए हमारे देश के नए प्रधानमंत्री दोस्तों, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। लेकिन एक प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट थी भैया ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्यों नहीं चल पाई, इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से, समझ में आ गया। फिर उसके बाद देश के हमारे अगले प्रधानमंत्री बने, उनका नाम क्या था, उनका नाम था दोस्तों आपके चरण सिंह, लेकिन इनकी गवर्नमेंट चल पाई क्या, इनकी भी गवर्नमेंट नहीं चल पाई। आखिर में क्या हुआ, 1980 में वापस जनरल री इलेक्शन हुए और री इलेक्शन में क्या, जो हमारी इंदिरा गांधी थी कौन से पार्टी से बिलोंग करती थी, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती थी, और वो वापस क्या आ गई थी, सत्ता में आ गई थी दोस्तों, यानी पावर में आ गई थी। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो, धड़ से अपनी नोटबुक में कॉपी करके हमें इंस्टाग्राम पे आप टैग कर सकते हो दोस्तों, प्रदीप सर का इंस्टाग्राम हैंडल यानी हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल वो दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके जल्दी जल्दी क्या टैग कर लो। अब दूसरी चीज में आती है,
किसने आते दोस्तों, ये तो पहली से ऊपर, इनको थोड़ा सा नीचे करेंगे हम लोग। ए भाई आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ। ये ज्यादा नीचे आ गए। 1980 और 1970 वाला वार तो देखिए, 1970 में भाई क्या क्या सारी चीजें हुई है, और 1980 में क्या सारी चीजें होने वाली है, क्या सारी चीजें हम समझने वाले देखते हैं। और 1980 का जो दौर था, यानी जो डिकेड था, अब इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़े। किस तरह से जो सिख थे पंजाब के, वो क्या बोलने लगे, भाई हमें क्या चाहिए, हमें पाकिस्तान की तरह एक खुद इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, सॉरी इधर मैंने डिपार्टमेंट लिख दिया, ये क्या आपका इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, और स्टेट का नाम क्या, खलिस्तान, क्या खलिस्तान। इसके बारे में हम आगे आने वाला जो चैप्टर उसके बाद उसमें डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, टेंशन लेना नहीं। ये मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में कि जिस्ट है बस, कि क्या सारे इवेंट्स हुए 1960 के बाद, समझ में आ गया। अब ये जो था, अब इसको सपोर्ट करना था, इसको जो सपोर्ट कर रहा था दोस्तों, आपका जो छोटा बाबू यानी आपका जो पाकिस्तान था, वो क्या कर रहा था, इसको सपोर्ट कर रहा था, बोल रहा था भाई जाओ जाओ हम आपके साथ है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अब ये सारी चीजें हो रही थी, इसके इसके दौरान बहुत सारी अफरा तफरी हुई, वॉल्यूशन हुआ, वॉयलेंस हुआ, समझ में आ गया। अब क्या किया गया, अब जो हमारी आर्मी थी यानी इंडियन आर्मी को गोल्डन टेंपल में भेजा गया 1984 में। अब क्यों भेजा गया, क्योंकि कुछ जो टेररिस्ट थे वो क्या गोल्डन टेंपल में चले गए थे, और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहां पे बहुत सारे क्या मिशन हमें, चल दो मिशन है वो आगे हम आगे पढ़ने वाले, अभी नहीं बताऊंगा, समझ में आ गया। फिर आगे क्या है, फिर अब इसी के दौरान क्या हुआ, सिखों का जो इशू चल रहा था, खलिस्तान की जो मांग चल रही थी, उसी के दौरान हमारी जो देश की प्रधानमंत्री थी यानी जिनका नाम क्या था, इंदिरा गांधी, वो क्या उनका एसिनेशन हो गया। अब एसिनेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, मर्डर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, थोड़ा कलर चेंज करेंगे, मर्डर कर दिया। और मर्डर किसने किया था, मर्डर किया गया था दोस्तों उनका पर्सनल जो बॉडीगार्ड था ना, उनके द्वारा किया था, जिनका नाम बीन सिंह था दोस्तों, उन्होंने क्या कर दिया था, इनका एसिनेशन कर दिया था। अब नेक्स्ट इज क्या है दोस्तों, अब उसी टाइम पे जब 1980s का क्या जो दौरा था वो खत्म होने को आ रहा था, तो वहां पे आपके जो अल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट टियर ऑफ आसाम, ये क्या चला रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे, क्या चला रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे आपके नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और फिर उसके बाद हम सभी से जानते हैं कि हमारी देश की जो प्रधानमंत्री थी यानी हमारी माननीय हमारी इंदिरा गांधी जी, वो उनका एसिनेशन हो गया था, जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड ने किया था, जिनका नाम क्या था दोस्तों, बीन सिंह था, क्या था, बीन सिंह। फिर उसके बाद उनके जो सुपुत्र थे जिनका नाम क्या था, राजीव गांधी, 1984 में अब उन्होंने देश की लगाम क्या थाम ली थी, और वो बन गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब जब हमारे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने दो चीजें पे बहुत ज्यादा फोकस किया, उन्होंने रिफॉर्म लाना चाहा किसमें, इंडियन इकोनॉमी और साइंस और टेक्नोलॉजी में, और साथ ही साथ उन्होंने लीड किया क्या जो प्रॉब्लम चल रहा था माइनॉरिटी को लेकर, जो इश्यू था माइनॉरिटी को लेकर, तमिल माइनॉरिटी को लेकर श्रीलंका में, उसमें क्या लीड भी किया दोस्तों। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके जो कांग्रेस पार्टी थी, वो फिर से हार गई दोस्तों। फिर वापस से क्या हुआ, जो पार्टीज ने कोलिशन यानी क्या गठबंधन किया, और नया पार्टी फॉर्म हुआ जनता दल, और उसके जो प्रधानमंत्री बने वो बने थे हमारे विष्णु प्रताप सिंह दोस्तों। और जो विष्णु प्रताप सिंह का जो कंट्रीब्यूशन था रिजर्वेशन दिलाने का दोस्तों, किसमें रिजर्वेशन दिलाने का, बाकी सारे जो अदर कास्ट होते यानी ओबीसी कास्ट को बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय आज भी क्या जाना जाता है। अब हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री कौन बने, विष्णु प्रताप सिंह की भी जो गवर्नमेंट थी वो ज्यादा दिन तक नहीं चली, हमारे अगले जो प्रधानमंत्री बने वो थे 1990 में चंद्रशेखर जी, जो हमारे अगले प्रधानमंत्री बने दोस्तों, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे मैं बात करूं, जो हमारे राजीव गांधी जी थे, राजीव गांधी जी का भी क्या एसिनेशन कर दिया गया यानी उनका भी मर्डर कर दिया, किसके द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसको हम लोग बोलते हैं LTTE, ठीक है। और जैसे 1980 वाला जो टिकट था खत्म हो रहा था उसी दौरान क्या हुआ, एक जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट पैदा होने लगा, टेररिज्म आने लगा, जो क्या हो रहा था दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा क्या सीरियस होते जा रहा था। और उसी वजह से क्या हुआ, जो कश्मीर पंडित से यानी कश्मीरी पंडित से उनको मजबूरन ना चाहते हुए भी जो वैली था वो छोड़ के जाना पड़ा दोस्तों, उनकी जो जन्मभूमि थी वहां वो छोड़ के उनको जाना पड़ा। तो दोस्तों ये सारी चीजें 1970 और 1980 में ये सारे इवेंट्स हुए थे हमारे भारत देश में। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई, और आपको सारी चीजें समझी, वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।